हेलो दोस्तों दोस्तों नॉलेज विदाउट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कोरोना वायरस ने दुनिया के 70 देशों में कर्फ्यू के हालात पैदा कर दिए हैं। कोरोना पूरी दुनिया पर ऐसा कहर बरपा रहा है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश भी इसको रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 9000 को पार कर गई है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने रोकथाम के लिए लॉकडाउन किया है। चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, डेनमार्क, जर्टीना, वेटिकन सिटी, नॉर्वे, ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, आयरलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम समेत करीब 70 देशों में लॉकडाउन किया गया है। लेकिन अमेरिका पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ अपने एक शहर कैलिफोर्निया को लॉकडाउन किया है। दोस्तों अमेरिका में लॉकडाउन करना असंभव है, क्योंकि अमेरिका में हर नागरिक के पास बंदूक है, तो भारत की तरह वहां की पुलिस अपने नागरिकों पर लठ नहीं बरसा सकती। इसके अलावा किसी कर्मचारी की शिकायत पर सुनवाई आम नागरिक जूरी सिस्टम के तहत करते हैं, इसलिए भी पुलिस कर्मचारी जनता को बेवजह नहीं मार सकती है। अमेरिका में पुलिस प्रमुख को नौकरी से हटाने का अधिकार भी जनता के पास है। तो अब जिसको बाहर निकलना है वो तो निकलेगा, क्योंकि वहां के आम नागरिकों को पुलिस दबा नहीं सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि नागरिकों को समझा दो कि कोरोना खतरनाक है और इससे बचने के लिए घर में रहना उचित है और हाथ धोना, मास्क लगाना आवश्यक है। दोस्तों अमेरिका में भी कोरोना से जनजीवन प्रभावित तो हुआ है। हर क्षेत्र का उत्पादन कम हुआ है, लोग बाहर कम निकल रहे हैं, तो देखा जाए तो यह एक लॉकडाउन ही है। तो अमेरिका के लॉकडाउन और भारत के लॉकडाउन में अंतर यह है कि लोग दोनों देशों में आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकल रहे हैं, पर अमेरिका में पुलिस परेशान नहीं करती है, बस इतनी सी बात है। दोस्तों किसी भी सरकार या व्यक्ति से जनता सबसे ज्यादा समझदार होती है। मेरा हित किसमें है यह मुझसे ज्यादा सही कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों अमेरिका ने पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।